How to install wallpaper. This is what about the video is. तो अभी जो दीवार से हमने वॉलपेपर रिमूव किया है उस पर हम एक नया वॉलपेपर लगाने जा रहे हैं क्योंकि बदलाव काफी जरूरी है। तो सबसे पहले हम वॉलपेपर लगाने के लिए ये देखेंगे कि उसका एडहेसिव किस तरह से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे हम एडहेसिव बनाने वाले हैं। सो एडहेसिव हम इस तरह से बनाते हैं, हम लोग एक बकेट में थोड़ा सा पानी लेते हैं, पानी के साथ हमने कुछ सेंसी पाउडर मिला रहे हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से मिलाना है कि इसमें बबल्स ना रहें और दाने ना बने, इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है। आप इसके जब ये मिक्स हो जाएगा पूरी तरह से, उसके बाद हम दिखाते हैं कि किस तरह से वॉलपेपर की कटिंग की जाती है। तो चीज जो एडहेसिव हम वॉलपेपर के लिए तैयार करते हैं उसमें जो पाउडर हमें मिक्स करना पड़ता है उसका नाम है CMC पाउडर। तो वो एक क्वांटिटी पानी के साथ हमें यूज करना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है पानी में CMC पाउडर और ये एडहेसिव तैयार किया जा रहा है। जैसे एडहेसिव तैयार होता है हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी जो वॉलपेपर लगाने से पहले होती है उस पर हमें वॉल मेजरमेंट करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम वॉलपेपर इसके पैटर्न कट करते हैं। CMC पाउडर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। ये एक एडहेसिव के तौर पे तैयार हो गया है आप देख सकते हैं। और जिस वॉल पे वॉलपेपर लगना है वो कुछ इस तरह से दिखती है। आते हैं आप वॉलपेपर रोल की तरफ। ये हमारे पास एक्सेल ब्रांड का वॉलपेपर का रोल है जो कि क्वालिटी के मामले में सबसे अच्छा वॉलपेपर माना जाता है। ये जंबो रोल है, इसमें 3 रोल होते हैं। बेसिकली एक रोल में 50 स्क्वायर फीट कवरिंग एरिया होता है जबकि 57 स्क्वायर फीट ओवरऑल वॉलपेपर एक रोल में पाया जाता है। अगर आप जर्मनी के पेपर की बात करें, जो जर्मनी जो भी वॉलपेपर्स बनाती है उसका साइज़ जो होता है 59 स्क्वायर फीट का होता है। तो ये बेसिकली जर्मनी, ये मेड इन जर्मनी है, तो इसका साइज़ एक रोल का 59 स्क्वायर फीट का है। तो इसमें बेसिकली इस जंबो रोल में 3 रोल हैं जो कि इस दीवार के लिए काफ़ी सफिशेंट हैं। तो आगे देखते हैं कि किस तरह से इसे कट किया जाता है। तो पहला पट्टा जिस तरह से इन्होंने कट किया है आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको वॉल नापनी है। वॉल जितनी आपकी वॉल की हाइट है उतने ही उसी के अकॉर्डिंग आपको वॉलपेपर की कटिंग करनी है। सपोज कीजिए आपकी हाइट 120 इंच है तो आपको 122 इंच करीब कट करना पड़ेगा। थोड़ा सा मार्जिन लेके आपको चलना पड़ता है डेफिनेटली। इसी को हम लोग वेस्टेज भी कहते हैं। जो 57 स्क्वायर फीट का रोल 50 स्क्वायर फीट कवर करता है उसके पीछे एक ही रीज़न है कि हमें हर पट्टा 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा काटना पड़ता है। तो इस तरह से कटने के बाद हमें कई सारे पीसेस सेम क्वांटिटी में कट करने होते हैं और इनकी डिज़ाइन, जब कभी भी हम पैटर्न कट करते हैं मेक श्योर ये करें कि उसकी डिज़ाइनें मिल रही हो। अगर डिज़ाइनें नहीं मिलती, अगर आप गलत काट देते हैं तो आपका पूरा रोल ख़राब हो सकता है इस कंडीशन में। देखिए वॉलपेपर लगाने में रॉकेट साइंस यही है कि आपको जॉइंट मिलाने आने चाहिए। जब कभी भी आप इसे कट करें तो मेक श्योर करें कि कटिंग आपकी एकदम परफेक्ट हो। अगर इन चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपका वॉलपेपर काफ़ी अच्छा लगेगा, लगने पे जॉइंटलेस होगा और वेस्टेज कम होगी। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान अगर वॉलपेपर लगाते वक्त रख लेते हैं तो जो भी एडहेसिव इन्होंने रेडी किया था उस एडहेसिव को अब ये इस वॉलपेपर के ऊपर लगा रहे हैं, जिसे लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाएगा, इससे पेपर पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। तो आप प्रोसेस देख सकते हैं, इसे आप एक नॉर्मली जो पेंट करने वाला ब्रश होता है उसकी सहायता से आप उसको लगा सकते हैं। और जितने भी कटिंग हमने की है सब पे हम इस तरह से लगाएंगे और इसे फोल्ड करके रखेंगे और 10 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद हम इसे वॉल पे हैंग करेंगे। काफ़ी सारे मिथ हैं वॉलपेपर को लेके कि वॉलपेपर पानी लगने से तुरंत ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिथ ही हैं। वॉलपेपर बेसिकली जो लगाया जाता है CMC पाउडर मैंने जैसे आपको दिखाया वो पानी में घोलने के बाद ही लगाया जाता है। तो पानी में घोलने में जब वॉलपेपर लगता है तो वो पूरी तरह से भीगा हुआ होता है, तो पानी से इस तरह का कोई भी नुकसान नहीं है वॉलपेपर के साथ। इनकेस अगर वॉलपेपर लगाने के बाद अगर वॉल के पीछे से सीलन आती है तो उस कंडीशन में आपका वॉलपेपर ड्यूरेबल नहीं रहता है। तो वॉलपेपर को लेकर जो सारे मिथ हैं कि वॉलपेपर खराब हो जाता है या ये चीज़ें हो जाती है वो चीज़ें हो जाती है, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का और एक अच्छे पैसे में वॉलपेपर लगाते हैं तो उसमें
कम चांसेस है कि आपका वॉलपेपर खराब हो और वो ड्यूरेबल ना रहे। जो वॉलपेपर आज हम लगाने जा रहे हैं ये एक्सेल कंपनी का है। एक्सेल कंपनी कह सकते हैं आप एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है वॉलपेपर में, और इनके जो पेपर्स होते हैं वो मैक्सिमम जर्मनी और कोरिया से हैं। जो पेपर आज हम लगाने जा रहे हैं वो कोरिया का है, और इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये 52 से 55 रुपीज पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कर रहा है हमें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम पहला पट्टा वॉल पे लेके जाएंगे और वो किस तरह से लगेगा। टाइप हम लोग लगाने जा रहे हैं ऊपर, और जैसे कि आप देख सकते हैं ट्यूबलाइट आपकी लगी रह सकती है या ट्यूबलाइट आप निकाल के उसको दोबारा से इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ये भी एक बेनिफिट है वॉलपेपर लगाने पे। तो बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं, काफ़ी इजी टू इंस्टॉल होता है। एक बार अगर आप इसे देख लेंगे किस तरह से लगता है, किस तरह से इसकी कटिंग होती है और किस तरह से इसका एडिसिव तैयार किया जाता है, तो काफ़ी इजी है वॉलपेपर लगाना। बट अगर आप ये सोचेंगे कि अगर इनिशियल फेज पे आप रोल ला के उसे आसानी से अपनी दीवार पे लगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको पहले एक प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वॉलपेपर लगाना काफ़ी टेक्निकल होता है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं उसकी एक एक कटिंग पे और ट्यूबलाइट्स पे उसके जो ज्वाइंट्स होते हैं उसको मिलाना इज अ वेरी डिफिकल्ट। एक ब्रांडेड वॉलपेपर में जो रोल आता है वो जो उसकी जो विड्थ होती है वो 41 इंचेस की होती है। नॉर्मली जो रोल्स आते हैं अगर आप सिंगल रोल्स परचेज करते हैं तो सिंगल रोल की जो विड्थ होती है वो 21 इंच की होती है। काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो बड़े साइज के रोल भी बनाती हैं, बट जो कॉमन साइज है वो है 21 इंचेस और 41 इंचेस का, जो कि 41 इंचेस उस कंडीशन में आता है जब आपकी तीन रोल की क्वांटिटी होती है, तो आपको जंबो रोल का पैक मिलता है जिसका जिसकी जो विड्थ होती है वो 41 इंचेस की होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आपके पास जंबो रोल होता है तो उसे लगाना काफ़ी आसान होता है। अगर हम कंपेयर करें 21 इंच के रोल से, अगर हम 21 इंच के रोल लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने जिस तरह से हमने तीन स्ट्राइक में ऑलमोस्ट हमने दीवार कवर कर ली है, अगर हम 21 इंच का रोल लगा रहे होते तो अभी हम शायद यहाँ तक पहुँच पाए होते। तो ये फायदा भी होता है जंबो रोल लगाने का, और ज्वाइंट कम से कम होते हैं वॉल पे। हालांकि इसमें ज्वाइंट्स आपको कहीं से कहीं तक नजर नहीं आते, बट अगर उस तरह का पेपर होता है जिसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि ज्वाइंट दिखते हैं, तो जिनमें ज्वाइंट दिखने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है वो प्योर वाइट कलर के वॉलपेपर होते हैं। बट आप अगर इंस्टॉलर आपके पास अच्छा हो तो सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है कि अगर आपके पास जो इंस्टॉलर हैं अगर वो अच्छे हो, प्रोफेशनल हो, तो उस कंडीशन में आपको ज्वाइंट बिल्कुल भी नज़र नहीं आती अगर आप रोकते हैं वॉल पे, लेकिन तब भी आप नहीं रोक पाते। तो जिस आप देख सकते हैं पेपर की क्वालिटी, मैं ये सामने से दिखाता हूँ आपको, कैमरा हाथ से ले लिया है, मैं आपको क्वालिटी दिखाना चाहता हूँ इसकी सामने से। तो जैसा आप देख सकते हैं अगर वॉलपेपर की क्वालिटी में बात करें तो इससे अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर आपको शायद ही मिले, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसके वॉलपेपर्स वॉल्स एंड विंडो करीब पिछले 6 सालों से सेल कर रही है, और आज तक कहीं पे कोई शिकायत नहीं आई। जबकि सबसे जितने भी वॉलपेपर हम लगाते हैं या हमारे इंस्टॉलर लगाते हैं तो उनके भी यही रिव्यू होते हैं कि इस पेपर को लगाने में उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छी लगने लगी है। इससे पहले जो वॉलपेपर जिसमें लगा हुआ था उसको ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके थे, बट वो किसी और कंपनी का था। बट ये जो है ये वन ऑफ दी माई फेवरेट कंपनी है जिनमें मुझे जिनके वॉलपेपर्स मुझे यूजुअली अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करना पसंद है। साहब मैंने देना है कला पैसा।
बढ़िया बता दूंगा तो आलम बात से बोलिए। जल्दी आ जाना तुम, अगर वो फोन करेगा होते हैं काम हो रहा है तो भैया गिरेगा ही, ये हो रहा है तो भैया वो होगा ही, तो तुम जा रहे थे सब है ना, खुरपेच है ना। पहले करो सफेद वाले पेपर से।